आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन मावा की बर्फ़ी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में रखते ही घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी सी ये बर्फी बनके तैयार होती है। बहुत ही कम समय लगता है। नमस्ते दोस्तों, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, ट्राई करने के बाद पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये मजेदार रेसिपी बनाना। बेसन मावा की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चीनी ली है। तो चीनी आप कोई भी कटोरी कप से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। सबसे पहले हम चीनी को पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पे मिक्सी जार ले रही हूँ और इसको हम एक बढ़िया से इसका पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास पीसी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम इसे मिक्सी जार में 1.5 कप चीनी डाल के अच्छे से इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अच्छे से चीनी को पीस लिया है, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज और इनको हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये हमें धीमी आंच पर ही भूनने हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फूल जाते हैं। जैसे ही फूल जाएं तो इसका मतलब हमारे बीज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस अब हमें क्या करना है, इनको एक बाउल में हम निकाल लेंगे और अब हम यहाँ पर मावा को भूनेंगे। तो मावा अगर आपने मार्केट से लाए हैं या घर से बनाया है तो एक बार इनको हम यहाँ पे सॉफ्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मावा निकाल लिया था, फ्रिज में रखने की वजह से ये ड्राई हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा क्रम्बल कर लेंगे और इसको पैन में डाल के इस तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे धीमी आंच पे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस यहाँ पे हम इसको गैस को बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं, बस इसको धीमी आंच पे हम इसको लगातार चलाते हुए इसको सॉफ्ट कर लेंगे। और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब पैन में हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 कप घी। सिर्फ 1/2 कप घी से ये बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बनके तैयार होगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप बेसन और बस इसको हम धीमी आंच पे लगातार चलाते रहेंगे और इसको बहुत ही बढ़िया से हम भून लेंगे जब तक कि बेसन का जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए। तो बस इसको लगातार चलाते जाना है। बेसन को आप अच्छे से छान लीजिए ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और बस इसको अब हम क्या करेंगे, लगातार इसी तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे, ये देखिए इस तरीके से, जब तक ये पैन को अच्छे से छोड़ने ना लग जाए। और बहुत ही अच्छे से इसकी खुशबू आने लग जाती है, इसे पता चल जाता है कि हमारा जो बेसन है वो बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो ये देखिए, जैसे ही ये बिल्कुल पतला हो जाए यानी कि अच्छे से भुन चुका है, इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच घी और डाल दिया है। और ये देखिए कैसे लिक्विड हो चुका है, इसने घी को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है। ये वाली जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत आसान होता है इसको बनाना। आप घर में भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी ये बहुत बढ़िया बनेगी। तो ये देखिए, लगातार इसको मैंने यहाँ पर चलाते जा रही हूँ और ये धीरे धीरे इसका जो कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये पैन पर लगने लग गया। तो बस इसको हमें यहाँ पर लगातार चलाते जाना है ताकि ये नीचे बैठ के जल ना जाए। तो बस इसको अब इस तरह से लगातार चलाते रहिए और बहुत ही बढ़िया से ये हमारा हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी को इस तरह से डालेंगे। पानी डालने का रीज़न ये है कि ये थोड़ा दानेदार हो जाता है इससे, और जब हम इसको खाते हैं ना तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको बस हमें यहाँ पर 2 से 3 बार इस तरह से पानी हल्का सा इस तरह से कर देना है और थोड़ा सा सावधानी से रखना है क्योंकि ये जो बेसन है बहुत गर्म है और पानी डालने से ये छींटे पड़ सकती हैं। तो बस अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया से इसके दाने बन चुके हैं और बस इसको हमें यहाँ पे 2 से 3 मिनट बाद चलाने के बाद इसको हम नीचे उतार लेंगे और थोड़ा सा इसको हम नॉर्मल कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ काजू। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और उसको इस तरह से हम थोड़ा सा पीसीस में काट लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा जैसे ठंडा हो चुका है। यहाँ पे हम एक ट्रे भी तैयार कर लेंगे जिसमें आप बर्फ़ी जमाना चाहते हैं। थोड़ा सा घी डाल लीजिए और इस तरह से इसको इस तरह से फैला लीजिए ताकि जब हमारी बर्फ़ी इसमें हम डालें तो अच्छे से सेट हो जाए। इधर हम देखेंगे जो हमारा बेसन है वो थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। इसमें हम यहाँ पे खरबूजे के बीज, 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर और इसमें हम काजू डाल देंगे। थोड़े से मैंने यहाँ बचा लिए हैं बाद में ऊपर से डालने के लिए। आप इसमें कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने खरबूजे के बीज और काजू ही डाले हैं। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और अब हम इसमें मावा डाल देंगे जो हमने यहाँ पर सॉफ्ट कर लिया था थोड़ा सा भून के, वो हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे गैस अभी बिल्कुल बंद है और बस इसको अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये आप हमेशा गैस बंद करके ही करिए जब हमारा मावा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और बस इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि ये पूरा अच्छे से बेसन और मावा आपस में मिल ना जाए।
ये देखिए इस तरीके से। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है, चीनी हम बाद में डालेंगे। तो ये देखिए कितना ड्राई हो चुका है मावा डालने के बाद। तो यहाँ पे हमें बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम शुगर डालेंगे। तो हमने जो 1.5 कप चीनी डाली थी वो हम इसमें डाल सकते हैं। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अगर कम पसंद करें तो 1 कप ही बहुत है इसमें। तो बस इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। और जैसे जैसे आप इसमें चीनी मिला रहे हैं ये और ज़्यादा ड्राई होता जा रहा है, लेकिन जब हम इसे गैस पे रखेंगे तो ये गर्म होने के बाद और ज़्यादा ये सॉफ्ट और पतला हो जाएगा। अभी ये ड्राई ही लग रहा है। इसमें मैंने आधा कप और जो बचा था वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छे से मिल चुका है। अब मैं इसको दूसरी कढ़ाई में डाल के गैस पे रख दिया है धीमी आंच पे, और इसको अब हम तब तक लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए जैसे जैसे ये गर्म हो गया है, इसने चीनी बिल्कुल पतली हो गई है, इसने पूरा पानी छोड़ दिया है, और ये हमारे जमने की तवी बिल्कुल तैयार है। बस 5 मिनट मैंने इसको गैस पे धीमी आंच पे चलाया था। और ये हमने ट्रे अपनी तैयार कर ही ली थी, और बस इसको हम यहाँ पे चला लेंगे अच्छे से। ये देखिए जब तक आपको उसे चलाना है जब तक कि ये बिल्कुल कढ़ाई को अच्छे से छोड़ ना दे। तो ये बहुत ही पतला था, और धीरे धीरे जैसे हम इसे चलाते रहेंगे ये पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है इसने, ये देखिए। तो बस गैस बंद करेंगे हम और इसको ट्रे में हम डाल देंगे सारे मिक्सचर को, और बहुत ही जल्दी से हमारी ये वाली मिठाई जम के तैयार हो जाती है सिर्फ 1 घंटे में ही। इसको हम अच्छे से इवनली सेट कर लेंगे, और बस इसको हम थोड़ा सा मैं इसमें लगा रही हूँ चांदी का वर्क। अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वरना इसके बिना भी ये मिठाई बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग कर देंगे, और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और बस इसको हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बर्फी बहुत ही टेस्टी से बनके तैयार हो चुकी है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी जो मिठाई है वो बनके तैयार हो चुकी है। इसको सर्विंग बाउल में रखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बेसन मावा की बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़े की ये बर्फी बनके तैयार होती है। तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।